मैंने बोला था ना पिछले ब्लॉग में कि सरप्राइज दूंगा, वर्दी में पहली बार और आखिरी बार। पर ये क्या कर रही है? ये क्या है तेरा? जलवा है हमारा। अरे तू नहाई भी नहीं है ना, जो तेरी मैडम देखे ये ब्लॉग जब पता लगेगा तेरे को, है ना? तेरी जो मैडम तो जो तू मॉनिटर बन के बैठी ना, मॉनिटर क्लास की मॉनिटर है, तू नहा के नहीं जाती मॉनिटर, है ना? कैसा लगा मेरा मजाक? तू क्या कर रही सारा, क्या कर रही है ये? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है अब। अरे अरे हाँ अरे तू तेरा क्या सीन है? नान जा दातन कर ली, कोलगेट हो गया, भाग जा। बनी आप भी स्कूल जाया करोगे? कितने दिन बाद? एक साल बाद। वेरी गुड गाइस, वाणी अभी उठी है और ये तैयार हो चुके हैं, आधे तैयार आधे तैयार नहीं है, और ये नहाने का बहाना बना रहा था, ये फिर आके यहाँ खड़ा हो गया। हेलो हेलो, तेरी छुट्टी है बाकी वो तो भाई। ये देखिए ये नहाते हैं ना, वो करते हैं और ये ऐसे ही घूमते हैं। देखो ये देखो, ये बिना नहाए तैयार हो गई है। क्या बंदा बच्चा, वो बंदा कपड़े खराब कर दिए गाइस। जो सारी टाइल थी नहीं आई, ये उखाड़ के हमने नए घर में लगा दी। अब ये सारा मिट्टी मिट्टी हो रखा पूरा, कर देखो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। ठीक है, नए घर में दिखाऊंगा कि टाइल कैसी लगी है। उन्होंने बस डिजाइन बना के लगवाया है। और ये देखा ताड़ा, ये चेक कीजिए आप, ये हमारे बगीचे के लिए। हाँ मस्त है, मस्त 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 है। कहाँ जा रही है? अरे हम प्लाट में जा रहे हैं दोनों, और गमले लाए ना, उनको सेट करना है अच्छे से, और आपको दिखाता हूँ कि अब तक कितना तैयार हो गया, क्या कुछ है। चलो 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 मानू भाई बाय 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 मानू भाई। गाड़ी के ऊपर है ना, ये बेहोश जमी है, वाइपर भी मार लिया, उधर से साफ हो गया, इधर से नहीं हुआ, और क्योंकि बारी खड़ी थी, ठंड ज्यादा थी तो इसलिए, है ना वानी? और अब सूरज का इतना तेज चमका निकला है, चमका नेचुरल सनलाइट। ये सारे पेड़ उतारने हैं, चल परे तो मैं उतारू, तू परे उतार। दोस्तों जरा ये चेक करो आप, ये चार दिन पहले ही हमने ये पार्क अपना बनवाया है, ये सारे पेड़ लगवाए, और ये देखो आप कैसे लग रहे हैं। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। ये अपना ब्लू हाथी खड़ा, मम्मी है, वाणी उधर है, और ये अभी काम चला लकड़ी का, तो ये आजम भाई है, ये अपना लकड़िया काम दबा के अपना कर रहे हैं। बाहर वाला गेट है, मच्छर मक्खी ना आए, अच्छा लग रहा है डिजाइन। हाँ पार्क किस हाला, क्या पार्क बढ़िया लग रहा है, थोड़ा घास बड़ा हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। ये घास बड़ी हो जाएगी जब, है ना, घास बढ़ान हो जाए और बढ़िया हो जाए। पापा भी यही कह रहे हैं कि मस्त, और मतलब घास जब बड़ी हो जाएगी, गद्दा बन जाएगा तब, और यही पापा बैठ के सामने अंदर हुक्का पियेंगे मस्त तरीके से, राउंड टेबल लगा के। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मैं बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, 11:30-12 का टाइम हो गया, और मम्मी ना चूल्हे पर रोटी बना रही है, तो मोनू का फोन आया था भाई जल्दी आ जा, चूल्हे पर रोटी बन रही है। पापा मोनू पहले भेज दिए थे मैंने, अब उनका नंबर है रोटी खाने का, तो पहुँच रहे यार जल्दी घर पे। पाइपलाइन दबाई है ना, सारी गली तोड़ दी, इधर पीछे आगे की तरफ, इधर देखो सारी गली तोड़ दी उन्होंने। तो खाना खा रहे हैं और मम्मी ने चूल्हा लगा रखा है मास, एक नंबर। ये देखो ये हो, बहुत बढ़िया फुली रोटी, मेरी भी गाल दे मी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए भाई, सब जीर बोलिए रोटी में दे दूंगी। गए वे गए वे बाज गए।
खाली रोटी मटका दी आज है ना वो एक्टर को मैं छत पे बांध के आ रहा हूँ और चिकू आज घर पे और आराम से घर के अंदर सो रहा है। नहीं तो ये तो बाहर रहता तो बाहर बिल्कुल। और वाणी को अकेला छोड़ गया, वो आईपैड देख रही है और बिल्कुल अकेली बेचारी। वाणी वाणी पकड़ो 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 पकड़ो, इधर वाणी। वैब क्या कर रही थी? गो आजा चल, मैं हूँ ना तेरे साथ। मम्मी बेटा मम्मी कुछ है ना आपके लिए कपड़े लेने गई है वहाँ दुकान पे, ठीक है? ठीक है फ्रॉक पहनना आप, चलो अपना रोटी खाने मेरे साथ। आईपैड को बंद करो, बंद करो प्लीज 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 बच्चे। आओ मेरे साथ, देख मैं तेरे लिए कितना, ये तो देख तेरी फेवरेट मिर्च है, ये सब्जी है, लड्डू है, रोटी है, ठीक है, दही है, मोनू लिया है। आजा गाइस, घर के बाहर है ना ये पेड़ लगवाए हैं, ये कल लाया था मैं वे, और बाकी छोटे छोटे पौधे देखियो। और एक बात और नोट करो, जो ये पाम का जो पेड़ लगा है ना, इसकी परछाई देखो कैसी लग रही दीवार पे ना, कितनी मस्त लगी है। और बाकी विद्या का पेड़ लगवा दिया और मोगरे के हैं, पूरा हो गया। पानी देखे ओके, रिपोर्ट हो गया। क्या हो गया? वानी बैठी इधर गाड़ी के ऊपर। अभी हम जा रहे हैं मैं और वानी, ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं वानी और मैं और मोनू चीनी का कट्टा लेने। चीनी खत्म है घर पे तो हम सीधा कट्टा ही उठा लाते हैं। कट्टा मैं तो खाता हूँ। आप खाते हो चीनी? कम खाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने बोला था ना पिछले ब्लॉग में कि सरप्राइज दूंगा, आज एक नहीं दो दो सरप्राइज है, एक अच्छी बात है एक बुरी बात है। तो गाइस ये चेक करो आप, ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह। पुलिस पुलिस। तो गाइस कैसा लगा सरप्राइज? ये है सरप्राइज। गर्मी हो रही थी यार, उतार दिया, आज धूप बहुत तेज है ना। तो ये सरप्राइज तकरीबन 2 साल से मैंने आपसे, 1.5 साल से मैंने आपसे छुपा के रखा, तो बट नाउ रिवील। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सरप्राइज दूंगा तो दे दिया। ऐसी लग रही है, अच्छी है ना? काले काले जूते, हैंडसम बॉय, पुलिस, वो भी हैंडसम। पुलिस तो बहुत खतरनाक होती है, पर मेरा नेचर आपको पता ही है कैसा है, मैं ऐसा ही हूँ। पर वहाँ मैं दूसरा, मतलब दूसरी पर्सनैलिटी बन जाता हूँ। चलो एनीवे, और अच्छा दूसरी बात, वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है? पैसे कमाना नहीं है, वीडियो का मेन मकसद ये है कि जो हम शूट कर रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। कभी भी बच्चे, कभी भी कोई भी उठा कर देख लेगा कि भाई ये हुआ था उस दिन, ये था, मतलब ये चीज़ है। अब शूट नहीं करेंगे वो दिन बीत जा रहे हैं, तो ना कुछ उनका कोई रिकॉर्ड है, ना कुछ उनकी कोई यादें बची हैं, धुंधली हो जाती हैं। और इसमें क्या होगा, स्टोर होने के बाद यूट्यूब पे वो हमेशा मिलेंगी, बच्चे देखेंगे बड़े हो गए मतलब के ये हम थे। और बस यही, इसलिए मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। अपना कैमरे से मेरा लगा हो कभी से तो अच्छा लगता है ब्लॉग शूट करना, पैसे कमाना मकसद नहीं है, पैसे तो भारत सरकार दे रही है यार। अच्छा हाँ, अब रही दूसरी बात। दूसरी बात में क्या था कि आज रोवर बीस्ट को मैं अपने बीस्ट को है ना सेल करने जा रहा हूँ, क्योंकि पैसे की नीड होगी यार, घर पे काम चल रहा है दबा के और जरूरत पड़गी। तो जिस उम्मीद से लिया था, जिस मतलब जैसे लिया था वैसे रख नहीं पाया, साल भर भी नहीं हुआ उसको, और देना पड़ेगा। पैसे इकट्ठे करके लाया, मतलब ऐसा किया कि पाई पाई, मतलब काफ़ी टाइम से पैसे जोड़े, 7-8 साल 10 साल 9 साल से मैं पैसे जोड़ रहा था, जोड़ जोड़ के मैं उसको लेके आया। और अब वो आज वो चीज़ जाएगी,
जानी है यार, क्योंकि बात बनेगी नहीं उस बिना। किसी से पैसे मांगना वो मेरे मेरे बस की नहीं है। तो है हमारे पास तो उसको दे देते हैं, तो बाद में कुछ होगा तो बाद में फिर ले लेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि घर में सुनसान सा कि भाई आज क्या होने वाला है क्या कुछ, क्योंकि सब अजीब सा हो गया यार। शूट करते टाइम भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कह रहा हूँ मैं ये सब बातें, क्योंकि ये थोड़ी सीरियस है मामला, क्योंकि है यार नीड पैसे की। तो अब बाइक दे देते हैं, बाद में बच्चे गए हैं स्कूल में, सारा यहीं है, उसको बुखार है। परी और हरित दोनों स्कूल में गए हैं, आते ही पूछेंगे कि बिस्ट कहाँ गया। वैसे मैंने उनको सुबह मैंने बताया था कि भाई शाम तक आओगे तो तुम्हें बिस्ट नहीं मिलेगा। अल्लाह क्यों, मगर बस ऐसे ही तो समझते गए होंगे वो। पर आते ही वो परी तो कलेश करेगी, बोलेगी कि कहाँ छोड़ गया ये है, क्योंकि रात को आऊँगा जब उसको देख के मैं, तो दिक्कत है यार। आदमी जो सोचता है ना वो सब कुछ होता नहीं है, कि भाई कहीं पैसे फंसे पड़े हैं वहाँ से निकल नहीं रहे, तो पर काम करवाना ज़रूरी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो फ्लो होना चाहिए ना, तो वो चीज़ है। ये ब्लॉग थोड़ा सीरियस हो जाएगा यार, तो मेरे ख्याल से मज़ा नहीं आएगा आपको। मज़े की बात नहीं है, जो मन के अंदर है वो मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ है दिक्कत, तो उसको देने जा रहा हूँ मैं। 9 साल से पहले जोड़े थे जब आया था वो। चलो एनी वे सारा बीस्ट न दिया हूँ। परी मैनू एक हिम्मत देखा हुआ, फिर पैसे की नीड है बेटा, काम चल रहा है ना उसके लिए चाहिए है, तो देखा नहीं पड़ेगी। 2-3 महीने मैंने को वो किया कि रुक जाए कुछ हो जाए पर बात बनी नहीं, तो इसलिए देनी पड़ेगी। क्या करो हो इतना गुना ड्रेस पैर के सफाई करो भाई। क्या हो गया देखा हो गया जी ने, इतने चाय तले का आए थे और आज देखा होगा। इतना मेरा है कि आज परेशानी है थोड़ी सी इसलिए। फिर ले आइयो होगी उदास हो रहा है। ये जाके उदास तो हूँ और के राजी हो जाऊँ हैं। वर्दी में पहली बार और आखिरी बार ये सुनसान सड़क और ये तो है ही, यहाँ बंदा है ना बंदे की जात है, वो सलमान खान का डायलॉग है। पर इतनी दूर आने के बाद समझ में आया कि करना क्या चाहिए, तो एक मन नहीं मतलब इतनी दूर रास्ते में सारे सोचता है कि भाई देना चाहिए नहीं देना चाहिए बीस्ट को, पर देख लेंगे कर लेंगे, हौसला मजबूत है कर लेंगे। तो अभी घर चलते हैं, नहीं बेच रहे। अच्छा खड़ी देर कर दी यहाँ वापस ला के। हाँ क्या कहती
ये हेलमेट रहा, ये भी श्री और ये मैं रहा। ना बेचो ये, क्यों कुछ मनवाई ना बेचता।